हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेश मैंगो केक, वो भी एक अलग डिज़ाइन के साथ। उसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेश मैंगो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एगलेस वेनीला केक स्पॉन्ज। ये केक स्पॉन्ज मैंने मार्केट स्टाइल वेनीला केक प्रीमिक्स यूज करके बनाया है। प्रीमिक्स मैंने घर पे ही रेडी किया है, उसका मेरा ऑनलाइन क्लास है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और यहाँ पे ये मैंने व्हिपिंग क्रीम को फेट के रेडी किया है, इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और ये मैंने अल्फांसो मैंगो की फ्रेश प्यूरी ली है। मैंगो प्यूरी जो है वो स्वीट होना चाहिए, अगर थोड़ा सा खट्टा मीठा ऐसा टेस्ट है तो इसके अंदर आप पाउडर शुगर ऐड करके ये प्यूरी रेडी कीजिए। और ये मैंने कुछ फ्रेश मैंगो को चॉप करके लिया है। ये 1.5 किलो का स्पॉन्ज है, आप देख सकते हो ये कितना वेटलेस है, एकदम हल्का है। और इसका टेक्सचर भी देखिए, ये कितना स्पॉन्जी बना है। रेडी प्रीमिक्स का यूज़ करके परफेक्ट स्पॉन्ज कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब इस केक स्पॉन्ज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हाथ हमें केक के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ में हमें हल्के हाथ से नाइफ को पकड़ना है और केक को हमें ऐसे ऐसे जैसे हम रोटी को घुमाते हैं वैसे घुमाना है। और नाइफ को हमें हल्के हाथ से ऐसे पकड़ के हमें ये लेयर को ऐसे फिनिशिंग के साथ कट करना है। इसी तरह ये हमारा केक का पहला लेयर कट हो गया है, आप देख सकते हो ये स्पॉन्ज कितना मस्त बना है, इसे कितनी मस्त जाली आई है। उसी तरह सेम प्रोसीजर से हमें दूसरा लेयर भी कट करना है। तो ये हमारा दूसरा लेयर भी कट हो गया है। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है जब हम टर्निंग टेबल के ऊपर केक बोर्ड को रखते हैं तो ऐसे वो स्लिप होता है या एक साइड में चला जाता है, उसके लिए इसके ऊपर मैं ये एंटी स्लिपरी मैट मिलता है मार्केट में, वो रखने वाली हूँ। ये आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप केक बोर्ड के नीचे सिंपल जो अपना टर्किश का टॉवेल रहता है वो फोल्ड करके रख सकते हो। केक बोर्ड को मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाई है। अब केक का जो लास्ट लेयर है उसका बटर पेपर निकालना है और ये लेयर हमें यहाँ पे रखना है। मेरा जो केक स्पॉन्ज है वो अच्छा खासा मीठा है, इसके लिए मैं इसे सिंपल वाटर से ही सोक कर रही हूँ। इसे हमें अच्छे से सोक करना है। इस लेयर के ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम का लेयर। अब इस व्हिप क्रीम को हमें स्पैचुला की मदद से इवनली इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। इस लेयर के ऊपर अब हम थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डालेंगे। यहाँ पे ये मैंने अल्फांसो मैंगो यूज़ किया है, आप जो भी मैंगो यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट कीजिए। मैंगो अगर टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा मीठा है तो उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करके उसका प्यूरी बनाइए, या फिर आप रेडीमेड मैंगो क्रश मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो मैंगो के मैंने छोटे छोटे पीसेस करके लिए है वो, इन्हें हमें अच्छे से स्प्रेड करना है इस लेयर के ऊपर। मैंगो आप स्वीट यूज़ कीजिए, अगर खट्टा यूज़ करोगे तो क्रीम के साथ यूज़ करने के बाद वो क्रीम खराब होने के चांसेस होते हैं। अब हमें रखना है दूसरा लेयर। ये लेयर रखने के बाद थोड़ा सा हाथ से प्रेस करना है, इस लेयर को भी अच्छे से सोक करना है, फिर आएगा क्रीम का लेयर। फर्स्ट लेयर जैसे हमने कंप्लीट किया है उसी तरह हमें ये सेकेंड लेयर भी कंप्लीट करना है। फिर इसके ऊपर मैंगो प्यूरी का लेयर आएगा, इसे भी धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड करना है। फिर से जो चॉप करके छोटे छोटे पीसेस किए हैं मैंगो के वो डालने हैं। अब इसके ऊपर मैं जो केक का फर्स्ट लेयर था सबसे ऊपर का लेयर, वही सेम लेयर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इस लेयर को थोड़ा सा अंदर की साइड से सोक करना है और धीरे से हमें इस लेयर को इस केक के ऊपर ऐसे रखना है और हल्के हाथ से प्रेस करना है। इस केक में मुझे डोम शेप बनाना है, इसलिए मैंने केक का जो सबसे ऊपर का लेयर था उसे ऊपर ही रखा है। सबसे जो फर्स्ट लेयर है उसे हमें सीजर से थोड़ा सा कट करना है। अब मैं ये जो फर्स्ट लेयर है उसे ऐसे 1/2 इंच इतना कट कर रही हूँ। हमें ये काम धीरे धीरे करना है। आप इस केक को 5 मिनट फ्रिज में सेट कीजिए और बाद में ये लेयर कट कीजिए, नहीं तो ये लेयर टूटने के भी चांसेस होते हैं। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। अब पैलेट नाइफ से हमें इस क्रीम को अच्छे से केक के ऊपर पूरा स्प्रेड करना है। इसी तरह टर्निंग टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इस क्रीम को लेवल करना है। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है हमें उसे ऐसे साइड में स्प्रेड करना है और साइड में जो गैप्स है उन्हें हमें ऐसे फिल करना है।
क्रीम को मैंने केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब स्क्रैपर की मदद से साइड का जो क्रीम है उसे मैं ऐसे फिनिशिंग दे रही हूँ। टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की साइड में घुमाना है और ये काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। ये मेरे पास फ्लेक्सिबल स्क्रैपर है, इसकी मदद से अब मैं इस केक को डोम शेप दूंगी। स्क्रैपर को ऐसे पकड़ना है और टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की तरफ हमें ऐसे टर्न करना है। आप देख सकते हो इस केक को अच्छा डोम शेप आ गया है। इस केक के शेप को हम और थोड़ा फिनिशिंग देंगे। स्क्रैपर को हमें ऐसे फोल्ड करके पकड़ना है, जस्ट हल्के हाथ से पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें घुमाना है। इस केक को अच्छे से डोम शेप आ गया है। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्रीम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक के अंदर मैं डाल रही हूँ रेडियंट ग्रीन कलर, ये जेल कलर है। कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा एक कलर रेडी हो गया है और जो दूसरी क्रीम है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक येलो कलर, ये जेल कलर है। इसके दो तीन ड्रॉप मैंने क्रीम में डाल दिए हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब ये क्रीम भी रेडी हो गया है। अब जो क्रीम हमने रेडी करके रखा है उसे हमें ऐसे केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा टैप करके लगाना है। ग्रीन कलर को केक के पूरे राउंड में मैंने लगा दिया है। जो ऑरेंज कलर है उसे भी हमें केक के पूरे राउंड में इस तरह लगाना है। अब ऑरेंज कलर लगाने के बाद उसके ऊपर ये लाइट ग्रीन कलर का एक लेयर में लगा रही हूँ और अब लास्ट में सबसे ऊपर फिर से ऑरेंज कलर। अब सारे कलर क्रीम को मैंने केक के ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड किया है। अब एक स्क्रैपर लेना है, उसे ऐसे पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें स्क्रैपर की तरफ घुमाना है। आप देख सकते हो इस केक को कितना मस्त फिनिशिंग आया है। साइड का एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें इसे क्लीन करना है। अब ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल लिया है। इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 चम्मच में पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें ये थोड़ा स्मूथ चाहिए। अब इस न्यूट्रल जेल को हमें केक के ऊपर डालना है। न्यूट्रल जेल केक के ऊपर डालने के बाद ये ऐसे थोड़ा ड्रिप हो जाएगा। उसके बाद हमें एक स्क्रैपर लेना है। स्क्रैपर को एकदम हल्के हाथ से हमें पकड़ना है और टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की तरफ हमें टर्न करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो न्यूट्रल जेल लगाने के बाद इस केक में कितना शाइन आया है। अब हम केक के ऊपर रखने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये सनफ्लावर नोजल लिया है। केक को लगाने के लिए जो मैंने क्रीम रेडी किया था वही क्रीम यूज करके अब मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के लिए ऐसे हमें रोज नेल के ऊपर थोड़ा बेस बनाना है और नीचे से ऊपर की तरफ हमें अंदर की साइड में ऐसे पेटल्स बनाने हैं। ऐसे ही सेम हम 2 लेयर्स बनाएंगे। अब पाइपिंग बैग को थोड़ा क्रॉस पकड़ते हुए ये पेटल्स हमें बनाते जाना है। अब इस फ्लावर को हम केक के ऊपर रखेंगे। उसके लिए पहले हमें केक के ऊपर फ्लावर रखने के लिए बेस बनाना है और फोक या सीजर की मदद से इस फ्लावर को हमें केक के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। इस फ्लावर को मैं और थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तो केक के ऊपर रखने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से फिर से पेटल्स बना रही हूँ। अब ये फ्लावर रेडी हो गया है। मेरे पास ये येलो डस्ट कलर है, उसे मैं इस फ्लावर के ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ। अब ये मेरे पास ब्राउन डस्ट कलर है, उसे मैं फ्लावर की मिडल साइड में थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ। अब मैं फ्लावर की लीफ बनाऊंगी तो उसके लिए मेरे पास जो कलर मिस्ट कंपनी का ग्रीन कलर है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और पाइपिंग बैग को हमें ऐसे वी शेप में कट करना है। अब इस केक के ऊपर हम छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे। जहाँ से हमें लीव्स बनाना है वहाँ पे हमें पाइपिंग बैग को ऐसे पकड़ के हाथ को थोड़ा सा शेक करना है तो ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने डार्क ग्रीन कलर डाला था और लाइट ग्रीन कलर की क्रीम डाली थी तो ये 2 शेड में लीफ तैयार हो गया। अब इस फ्लावर के ऊपर मैं थोड़ा सा सिल्वर डस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ये सिल्वर डस्ट कलर लिया है। इस बॉटल को ऐसे थोड़े डिस्टेंस में पकड़ के हमें इस कलर को ऐसे फ्लावर और लीफ के ऊपर डस्ट करना है। सिल्वर डस्ट करने के बाद इस फ्लावर को एक मस्त शाइन आया है, आप देख सकते हो। अब जिस नोजल से मैंने फ्लावर बनाया था वही सेम क्रीम बची है मेरे पास, तो वही सेम नोजल से मैं केक के नीचे की तरफ ऐसे सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ। आप देख सकते हो ये जिगजैग का बॉर्डर कितना मस्त लग रहा है। अब केक के पूरे राउंड में ऐसे सेम बॉर्डर बना के हमें कंप्लीट करनी है।
तो फ्रेंड्स इसी तरह ये डिलीशियस फ्रेश मैंगो केक रेडी हो गया है। मैं इसका आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। इस केक को मैंने फ्रिज में सेट भी नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हो ये कितना मस्त कट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिलीशियस फ्रेश मैंगो केक रेडी है। आप ये केक पक्का ट्राई कीजिए और ऐसे ही अलग अलग केक के डिज़ाइन और फ्लेवर्स देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।